अच्छा आप लोग रोड एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं? रोड एक्सीडेंट होते हुए कितने लोग देखे हैं? हाथ उठाई बोले। ठीक है, हल्ला नहीं। कितने लोग हैं? गुड, हम लोग का काम आसान हो गया। तो अभी मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं कि पूरे भारत में एक साल में 1.5 लाख लोग मरते हैं सड़क दुर्घटना में, और 24 घंटे में इस राज्य में एक्सीडेंट के मामले में, दुर्घटना के मामले में बिहार 16वें स्थान पर है और दिल्ली 17वें स्थान पर है। लेकिन मौत, दुर्घटना के बाद जो मौत हो जा रही है, उस मौत के मामले में बिहार 8वें नंबर पे आ जा रहा है और दिल्ली 26वें नंबर पे। मतलब दिल्ली और बिहार में एक समान एक्सीडेंट हो रहा है, मौत बिहार में ज्यादा हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, लोग जैसे तैसे चलाते हैं लेकिन एक्सीडेंट तो दोनों जगह सेम हो रहा है, क्या हो जा रही है? चलिए चलिए चलिए, आज आपको यही प्री हॉस्पिटल ट्रेनिंग दिया जाएगा। असल में हमें पता नहीं कि घायल व्यक्ति को कैसे बचाते हैं। घायल व्यक्ति अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है? पहला, या तो खून बहता है, दूसरा हड्डी टूटती है, और तीसरा सांस अटक जाती है। यही तीन चीज होता है ना। गुड, आपका प्रबंधन प्राधिकरण के चयनित मास्टर ट्रेनर के माध्यम से आपको आज बताया जाएगा। तो अब मैं आग्रह करता हूँ मिस्टर उज्जवल और मिस्टर अमलेंदु का, वो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आए हैं और ये आपको ट्रेनिंग देंगे। इस ट्रेनिंग का भरपूर लाभ उठाए शांतिपूर्ण तरीके से। तो हम यहाँ बैठे हैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, फ्री हॉस्पिटल आदि का ट्रीटमेंट होता क्या है इसके बारे में बहुत लोग को कोई जानकारी नहीं है। जैसे फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में हो गया, हम रोड एक्सीडेंट देख लिए। बिहार में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होता है अदर स्टेट के कंपेयर में, तो इसीलिए अब हम उसका रोकथाम देखेंगे कि अगर मान लेते हैं अगर आप दूसरे की सहायता नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में तो सहायता कीजिएगा ना। तो ये मान के चलिए कि हम अपने लिए सीख रहे हैं, ठीक है। किसके लिए आप लोग सीख रहे हैं? अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने दोस्तों के लिए। एलिवेशन, प्रेशर पॉइंट, टॉर्निकेट, इन चार तरीकों से हम खून रोकेंगे। कट गया, दबाव देंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम दबाव देंगे, अगर दबाव दे रहे हैं नहीं रुक रहा है, एक कपड़ा भींग गया तो फिर हम इसी के ऊपर दूसरा लगाएंगे। दूसरा इसलिए लगाएंगे कि जब हम इसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो डॉक्टर कपड़े की ही गिनती से बता पाएगा कि इसके बॉडी से कितना खून बह चुका है। जैसे अगर इस पर भी नहीं रुका तो फिर हम इसको एलिवेट करेंगे। एलिवेट मतलब अपने हृदय लेवल से जहाँ पे इससे खून बह रहा है उसको ऊपर करेंगे। अगर हाथ कट गया है, हाथ से खून निकल रहा है, तो हाथ को अपने हृदय लेवल के ऊपर करेंगे। अगर पैर से कट गया, पैर से खून निकल रहा है, तो व्यक्ति को लिटा देंगे और उसके पैर को हल्का सा ऊपर करेंगे, हृदय लेवल के ऊपर। प्रेशर एलिवेशन हो गया, प्रेशर पॉइंट, प्रेशर पॉइंट कहाँ देंगे? जहाँ दोनों हड्डियाँ जुड़ती है, ये हड्डी और ये हड्डी जहाँ पे जुड़ता है वहाँ एक ब्रेकियल पल्स होता है, जहाँ से डॉक्टर खून निकालता है ना खून जांच करने के लिए, ठीक वहीं पे।
कहने से कि हेलमेट पहनने से फैशन खराब होगा, सिगरेट पी के गाड़ी चलाएगा तो नवाब कहलाएगा। ये कोई भी बात जो बोलता है वो व्यंग की भाषा है, और व्यंग जो होता है खासा के खुदा के खिलाफ के, यानी कि सीधे सीधे नहीं आरोप कार्यक्रम के बारे में बताइए। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, यह बिहार के टारगेट जो है, बिहार के जो एनएच के नज़दीक जितने भी विद्यालय महाविद्यालय हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए, उन वहाँ के विद्यार्थी छात्र छात्रा को क्षमता वर्धन किया जाए, ताकि घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना में इतनी संख्या में मौत हो रही है, जो नंबर वन पे है अभी मौत की संख्या में, यदि किसी कारण हो रही है तो सड़क दुर्घटना में अत्यधिक हो रही है, इस दुर्घटना से घायल व्यक्ति को मौत ना हो जाए उसको रोकने के लिए, उस घायल व्यक्ति की कैसे मदद की जाए, उन्हें कैसे अस्पताल पहुंचाया जाए, इसके लिए अस्पताल पूर्व चिकित्सा प्रशिक्षण दी जा रही है, साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी इनको सेंसिटाइज किया जा रहा है। यह जो कार्यक्रम हो रहा है सिर्फ फतुहा हाई स्कूल में हो रहा है या और भी? बिहार जिला स्तरीय, मतलब कि हम हर प्रत्येक हर सप्ताह में दो जिला लेते हैं और एक जिला के दो विद्यालय को करते हैं, और ये जैसे ही रोटेशन चल रहा है, अब तक सैकड़ों स्कूल में कॉलेज में ये ट्रेनिंग दी जा चुकी है, इससे बच्चे काफ़ी लाभान्वित भी हुए हैं और बिहार सरकार को गुड समरिटन भी मिल रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मैं नीरज कुमार, राज्य समन्वयक एनसीसी उड़ान और रिसोर्स पर्सन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। धन्यवाद।